पानीपत के गांव की एक महिला सरपंच द्वारा पैसे लेकर लोगों को पक्के मकान बनवाने की वीडियो वायरल हो सुर्खियां बन गई हैं। पानीपत के गांव कुटाने की महिला सरपंच मोनिका सरेआम गरीब ग्रामीण महिलाओं व बुजुर्गों से पैसे लेकर फॉर्म भरने व काम नहीं होने पर पैसे वापस देने की बात करती नजर आ रही हैं और काम होने की पूरी तसल्ली दे रही हैं। गांव के लोगों ने मामले की शिकायत पानीपत उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह से की है। ग्रामीणों ने रोते भिलकते हुए अपना दुख जताया और कहा कि उन्होंने अपनी छत की चाहत में पैसे ब्याज पर लेकर गांव की महिला सरपंच को दिए थे, लेकिन 3 साल बीत गए, न पैसे मिले और न ही मकान। भाई 5,000 रुपये दे दो, तेरा लोन पास करवा दूंगी। 80-90 हज़ार रुपये लाख पीले कर देंगे, अरे पीले ना दिए नहीं, ना पर्ची दी लिखवा। कब लिए थे? उन्हें 2-3 साल लिए जी, बंदे लिए थे। पहले नहीं आए कभी, शिकायत नहीं करी पहले? ना पहले नहीं, हमने शिकायत करी नहीं। वो दे देगी लोन करवा दूंगी। दिए थे 5,000 रुपये, मारे भरवाए थे फार्म, अब तुम्हारे घर ये पास हो जाएंगे और लोन मिल जाएगा, तो ना तुम अपने मकान बना लियो, कड़ी कुड़ी जिसकी गिर रही है। हमने कहा जी देख लो काम बनता हो तो करवा लो, नहीं तो मखा 5,000 तो बरवान लाग रहे मार बहा तो है नहीं, क्यों तो ब्याज पर लेने पड़ेंगे। अब कोई बात नहीं, आपके पीछे तो मिल जाएंगे, आपका काम तो बन जाएगा। फिर मखा जी कम है, अब कम कितने? मखा 1,000 कम है। अब ना पहला पीछे पूरे लिया, फिर भर जाओगे आपका फार्म। कुछ नहीं था पहले सर, पता नहीं इतना वो कोने करया तो पुलिस ने करया, इसने तो लूट मचाई कर दी। अरे मेरा छोरा बीमार हुआ, उसकी माँ तो भी गई, राजेश भी पूछा, वह भी पूछे, मन दे दो मेरा बेटा पड़ा, मैं अपने दिखा लूंगी। नो बोले कौन है हमारे पास पीछे, खड़ी भी नहीं होने दी। उसकी जांच हमने ADC को दी हुई है, वो उसके जो कंप्लेंट आई थी मेरे पास उसकी जांच ADC महोदय को दी हुई है, वो जैसे ही कंप्लीट करके इंक्वायरी रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर कार्रवाई कर दी जाएगी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।